अप्रैल कैसे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज रात में हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया था, क्या बताएं। मेरा बच्चा इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था, एकदम 12 बजे से इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा एकदम बुखार से तप रहा था। और मेरे पति भी यहाँ नहीं थे, इतना ज़्यादा था, एकदम इसका जबान उबान निकल आया था, आँखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। और शरीर एकदम से झूल चुकी थी, कोई कह नहीं रहा था कि इनका बच्चा बचेगा। सब लोग रो रो के एकदम से उनका बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तो बस हम लोग बस भगवान को सुमर रहे थे कि भगवान किसी तरीके हमारे बच्चे को ठीक कर दे, कोई भी गलती हमसे भाई होगी जो क्षमा करे। ये देखो अभी सो रहा है, लड़की भी सो रही है, लड़का भी सो रहा है। हम लोग 12 बजे से पूरी रात जग रहे थे, पूरी रात जग रहे थे। इसके पापा यहाँ नहीं, तो मैंने उनको वीडियो कॉलिंग में फोन लगाया, हमने बोला बाबू को एक बार देख लो। क्या बताएं, बाबू दोबारा मिले हैं मिले पर नहीं। भगवान ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया मेरे बाबू को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मैं भगवान का कभी उपकार नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे पे उन्होंने अपना दया बनाया, अपना सुख दिया। ये देखो इसी चौखट पे हम लोग पूरी रात पड़े थे, पूरी रात पड़े थे इसी जगह पे, अपने बच्चे को इसी जगह पे पूरी रात लिए पड़े थे कि मेरा सोनू ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो। और वो ठीक हो गया फ्रेंड लोग, वो ठीक हो गया। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग दुआ करो कि मेरा बच्चा को कभी ऐसा किसी की नज़र ना लगे, कभी कोई दिक्कत ना हो, नहीं हम लोग मर ही जाएंगे। बस इतना और कुछ नहीं। और छठी मैया बहुत ही मारू देवी हैं, बहुत ही, क्या मैं बताऊँ। बस छठी मैया के ही दया से मेरा बच्चा ठीक हुआ है। तो फ्रेंड लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं,